सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे बाग जल्दी ही उजड़ जाती हैं। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। आज का पंचांग 23 नवंबर 2021 दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात्रि 12:55 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र दोपहर 1:44 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वसु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:54 से 4:15 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:51 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। मेष राशि 23 नवंबर 2021 दिन मंगलवार, आज आप कुछ उलझे हुए से रहेंगे। आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करने के लिए भी उतावले हैं, परंतु आज प्रतीक्षा करना और कोई महत्वपूर्ण काम शुरू ना करना ही ठीक होगा। शाम तक उलझन खुद खत्म हो जाएगी। दिन बाधा रहित गुजरेगा, यात्रा कर सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन से देर हो सकती है, दूसरे विकल्प खुले रखें। आज आपने किसी से भी कुछ शेयर किए बिना अपने दिनचर्या संबंधित कुछ योजनाएं बनाई हैं जिसमें आप सफल रहेंगे। परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर प्रोग्राम भी बनेगा। घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति आपका सेवा भाव उन्हें आत्मिक खुशी प्रदान करेगा। दिन की शुरुआत में विश्वास की कमी और बेचैनी महसूस हो सकती है। पिछले कुछ दिनों का अवलोकन करने के बाद खुद की मेहनत से समस्याओं का समाधान मिल सकता है। अपने कुछ दिन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। काम से संबंधित बातों में ध्यान किस वजह से भटक रहा है इस बात को जानने की कोशिश करें। एकाग्रता बढ़ाने की आवश्यकता है। परिवार और पार्टनर में प्रेम मिल सकता है। अधिक नमकीन और तली हुई चीजें खाने से परहेज करें। सावधानियां, किसी नकारात्मक प्रवृत्ति के मित्र के साथ संपर्क में रहना आपकी मानहानि का कारण बन सकता है। संतान की गतिविधियों पर क्रियाकलापों पर नजर रखना अति आवश्यक है। प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी कार्य को आप स्थगित रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी व परिवार के मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा तथा पारिवारिक वातावरण खुशहाल बना रहेगा। आप अपनी लव लाइफ को बिना किसी बात के उलझा रहे हैं। इसका कारण यह है कि आप अपने सामने देखने और उसे स्वीकार करने से कतरा रहे हैं। आपको खुले दिमाग से स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट मूल्यांकन करने और उसी के अनुसार सही रास्ता चुनने की आवश्यकता है। आपको यह देखना होगा कि किस रास्ते पर चलकर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और फिलहाल आप अपने अहम के बल में होकर किस रास्ते पर चल रही हैं। बात करते हैं करियर की। शोध विद्यार्थियों को आज के दिन शुभ संदेश मिल सकता है। जो विद्यार्थी आज के दिन प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं वे अपने आशा से ज़्यादा अच्छी परीक्षा देंगे, परंतु समय के अनुसार निर्णय और काम करना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इन घटनाओं से आपको जो अवसर मिल रहे हैं आपको शीघ्र अति शीघ्र इनका उपयोग करना होगा, अन्यथा अवसर हाथ से निकल सकता है। आपको एक कठोर और कठिन निर्णय अपने कार्य क्षेत्र या करियर की सुरक्षा के लिए भी लेना पड़ सकता है। बात करते हैं सेहत की। आज ग्रहों की स्थिति आग से दुर्घटना की आशंका जता रही है। रसोई घर में काम करते हुए या बिजली के उपकरण पर काम करते हुए
अतिरिक्त सावधानी रखें। वास्तव में आज आपको सब गर्म चीजों तथा आग के आसपास सावधान रहना चाहिए। आप अपने तनाव के कारण चिढ़ने से बचें, जिसका असर दूसरों के साथ आपकी बातचीत पर दिखाई देगा। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी को नारियल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।